हे एवरीवन, सर्दियों के मौसम में नाश्ते के बाद पास में हो गर्मा गर्म चाय और हाथ में हो न्यूज़पेपर अखबार, तो सर्दियों में बहुत ही मज़ा आता है ऐसे कंबल के अंदर बैठकर चाय पीने का और न्यूज़पेपर पढ़ने का। लेकिन अभी मैंने पेपर को जरा सा देखा ही था कि मेरे दिमाग में बनने लगी खिचड़ी, खिचड़ी की तैयारी। जी हाँ, आ रही है मकर संक्रांति और खिचड़ी, इसलिए पेपर को रखकर साइड में सिर्फ हेडलाइन ही मैं देख पाई थी और मुझे याद आया, भाई तिल के लड्डू तो अभी तक मैंने बनाए नहीं हैं खिचड़ी के लिए। तो चलिए बिना देर किए बनाते हैं हम मकर संक्रांति स्पेशल, झटपट से बनके तैयार होने वाली हमारी ये तिल और मूँगफली से बनेगी स्पेशल से लड्डू। बहुत ही फटाफट आप बनाएंगे इसे और एक दो आपको करने हैं काम और कुछ अलग सा स्वाद लिए पाएंगे आप इस स्पेशल लड्डू को। सबसे पहले गैस पर बैठा दिया है मैंने एक पैन को, पैन जो लिया हुआ है वो ली है मैंने थोड़ी सी मोटी, रेगुलर जिसमें आप सब्जियां बनाते हैं वो कढ़ाई जो है हमारी हल्की सी पतली हो गई रहती है। तो कोई भी आप ऐसा मीठा आइटम बनाने जा रहे हैं, कढ़ाई या पैन ले हल्की सी मोटी। और इसमें मैंने डाल दिया एक कटोरी भरकर सफ़ेद तिल। आप इस लड्डू को सफ़ेद तिल में बनाएं या फिर काले तिल में, लेकिन तिल हो बिल्कुल साफ़ सुथरी, उसमें कंकड़ मिट्टी गंदगी ना हो, नहीं तो ये लड्डू खाने में सारा स्वाद और सारा मुंह का जायका बर्बाद कर देगी। तिल बिल्कुल हो साफ, धोकर अच्छे से सुखाए हुए। उसके बाद इसे डालकर सिर्फ आप 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। तिल को भुनने में बहुत ही कम टाइम लगता है, फ्लेम को कर देंगे मीडियम और लगातार कंटिन्यूसली इसे हम चलाते रहेंगे जिससे एक बराबर तिल हमारे भुनेंगे। तिल थोड़ी देर बाद ही इसमें से चटकने की आवाज़ आने लगती है, आप देखेंगे जो फटफट करके आवाज़ आती है तिल से और वो चटकने लगती है, थोड़ी ऊपर से फैलने भी लगती है तिल। इतना होने के बाद जस्ट हमारा ये हो गया, कलर भी चेंज हो गया है, सफ़ेद तिल हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया, अच्छी सी भुन गई। इसे निकाल दिया एक बर्तन में, बिल्कुल साफ बर्तन में, और तिल का आधा मैंने लिया यहाँ पे मूंगफली की गिरी। अब ये आपके टेस्ट के ऊपर भी करेगा डिपेंड, मूंगफली की मात्रा आप चाहें तो थोड़ी सी और बढ़ा लें, अगर आपको मूँगफली पसंद है, कम पसंद है तो मात्रा घटा लें, और अगर आप चाहें तो मूँगफली को सिर्फ 1-2 चम्मच भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मूँगफली को डालें ज़रूर। और मूंगफली को डाल के बनाया हुआ तिल के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। मूंगफली को भी हम सिर्फ 2 मिनट के लिए भुनेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। जब वो चटक जाए मूंगफली, यहाँ पे एक प्लेट में निकाल दिया तिल को और दूसरे प्लेट में निकाल दिया मूंगफली को। अब बहुत ही आसानी के साथ मूंगफली के छिलकों को हटाने के लिए कोई भी साफ कपड़ा लेकर उसके ऊपर डाल दें मूंगफली के दानों को, और कपड़े से ही अच्छे से इसे रगड़े कुछ देर के लिए, 1 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसे फटक दें या फिर छलनी में छान दें, सारे छिलके हट जाएंगे, जो त्वचा रह जाएगी उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आधी मूंगफली और आधा तिल, इनको एक सूखे जार में डालकर बस मोटा दरदरा हमें मिक्सी कर लेना है। आधी आधी को हम डालेंगे खड़ी साबुत और आधी आधी को डालिए दरदरी करके और फिर देखें स्वाद। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक किए बिना कहीं ना जाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नए नए यूट्यूबर को थोड़ा सा तो साथ दे, सहयोग दे, प्यार दे। और आगे हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर जितना हमने लिया हुआ है मूंगफली और तिल, उतना ही हम डालेंगे गुड़ को, लेकिन इसके छोटे छोटे टुकड़े करके, और इसमें 1-2 चम्मच घी को डालकर लो मीडियम पे हमें इसे अच्छे से मेल्ट होने देना है। इसे हम हल्का सा, जिससे भी आप चलाएंगे उससे हल्का हल्का सा दबाते जाएंगे जब तक हमारी वो चाशनी वहाँ पे बन रही है। वैसे हमें चाशनी नहीं बनानी, गुड़ का पाक बहुत ही जल्दी बनता है, और गुड़ का बनाते समय बहुत हमें ध्यान देना पड़ता है कि कुछ ही देर अगर ये एक्स्ट्रा पक गई बिल्कुल हो जाएगी टाइट सी। और यहाँ पर बस कुछ सेकंड मैंने अपने चलाया मिक्सी को और हमारा ये मोटा सा पाउडर बनके हो गया है तैयार। ऐसी मोटी दरदरी ही हमें रखनी है, बस ये काम हमारा हो गया। और यहाँ पे गुड़ में से बबल्स आने लगे, जो थोड़े छोटे छोटे से टुकड़े उन्हें मैं अच्छे से दबाती गई थी, जिससे ये तुरंत ही मेल्ट हो जाएंगे। और हमारी ये जो हमें चाहिए, सिर्फ गुड़ को मेल्ट होके हमें इसे पकाना है। गुड़ में से बबल्स आने लगे और कुल मिलाकर आपको और 30-40 सेकेंड इसे अच्छे से पकने देना है। कोई हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी,
अगर ये गुड़ हमारी बहुत देर तक पक जाएगी फिर लड्डू आपके बिल्कुल ही टाइट से हो जाएंगे, लेकिन अगर कम पकी रहेगी तो आगे चल के हमारे लड्डू बन जाएंगे, लेकिन अगर टाइट हो गई तो अच्छे खासे दांतों से भी इन्हें खाना बहुत ही भारी पड़ जाएगा। अब जब हमारा यहाँ पे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया और उसके बाद कुछ देर मैंने इसे बस पका दिया, ये बिल्कुल हो गई है गाढ़ी सी और चिपचिपी सी। इतना करने के बाद अब अपने गैस को आप कर दें बंद और यहाँ पर हम मिक्स करेंगे अपने इस पिसे हुए मूंगफली तिल को और साथ में साबुत मूंगफली और तिल को। आपको फ्लेवर के लिए अगर यहाँ पे सौंठ का पाउडर डालना है बिल्कुल जरा सी आप वो डाल सकते हैं, या फिर इलायची है वो डाल सकते हैं, सूखा नारियल अगर आप चाहें तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। वैसे मुझे बिल्कुल सिंपल ही अच्छी लगती है और आपको भी ऐसे ही अच्छी लगेगी। सिर्फ मूंगफली और तिल से आप इसे बनाएं। अब नीचे इसे उतार कर और अच्छे से दबा दबा के इसे मिक्स करें, जितना हो सके जितनी देर तक आप इसे बहुत ही अच्छे से दबा दबा कर मिक्स करते जाएं। वैसे तिल की एक रेसिपी भी बनती है, इसे हम कहते हैं तिलकुट। वो तिल को बिल्कुल कूट कूट कर बनाया जाता है, तो हमें इसे कूटना तो नहीं है लेकिन जितना हो सके उतना आप इसे अच्छे से दबाते जाएं और इन लड्डुओं को आप बना करके देखें। छोटा सा है ये काम लेकिन जब आप इन लड्डुओं को खाएंगे बड़ा ही गजब का और मज़ेदार स्वाद आता है। इतना करने के बाद अब अगर आप चाहें तो इसे हल्की सी ठंडी होने का वेट करें। जब तिल के ये हल्के से ठंडे हो जाते हैं गुड़ टाइट सा हो जाता है और आपके लड्डू फटाफट से बनने लगते हैं। और अगर आप लड्डू बना रहे हैं और आपका लग रहा है कि लड्डू नहीं बन पा रहा, मतलब गुड़ अच्छे से नहीं पका, तो इसी बर्तन को आप बैठा दें गैस पे, मीडियम फ्लेम पे कुछ देर के लिए पका दें, गुड़ अच्छे से पक जाएगा और आपके लड्डू बनने लगेंगे। मैं यहाँ पर गर्म गर्म ही इसे बना रही हूँ, इसके लिए कटोरी में ले लिया है पानी। हथेलियों को पानी में डिप करके और इनको ले करके जब हम लड्डू बनाएंगे लड्डू हमारे ये बन जाएंगे। वैसे तिल के लड्डू अब ये ठंडे जब हो भी जाते हैं तो भी इनके लड्डू बहुत ही अच्छे से बन पाते हैं, लेकिन जब हल्के से गर्म हो, बिल्कुल ठंडे आप इन्हें ना होने दें, हल्के से गर्म हो और सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसे उतारें, बस कुछ देर ठंडा होने दें, हाथों में पानियों को लगाते जाएं जिससे इनकी गर्माहट आप अच्छे से थोड़ा सा टॉलरेट कर पाएंगे और फटाफट इसे लड्डुओं का आकार दें। और लीजिए हमारे ये तिल मूंगफली के बहुत ही टेस्टी से लड्डू बनके हो जाएंगे तैयार। सबसे आसान जो लड्डू बनाना होता है वो ये तिल के ही होते हैं, बहुत ही आसानी वाले, कोई टेंशन नहीं होती इन लड्डुओं को बनाने में। इतने इजली, इतनी जल्दी, उतने ही टेस्टी, उतने ही फ़ायदेमंद हमारे ये लड्डू बनते हैं। सर्दियों में तिल को ज़रूर ही खाया करें। तो बस बनाएं, इंजॉय करें मेरे भी यहाँ पे लड्डू अब बनके होने वाले हैं तैयार। अब इनको बनाने के बाद मेरा अगला है काम लंच बनाना, तो मैं इसे बनाकर जुट जाती हूँ लंच को बनाने में। और आपको वीडियो में क्या अच्छा लगता है, क्या कमियाँ लगती हैं ज़रूर ही बताएं, कमेंट करें। आपका साथ आपका सहयोग, इसी इंतज़ार में रेसिपी मेरी बनी जा रही है और चैनल है इस इंतज़ार में। फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए खाते रहें, खिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।